घर में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, उनको अपने घर में किस देवी की तस्वीर और उनकी सवारी के साथ लगानी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। श्रद्धा ऋषियों के लौकिक पारलौकिक प्रश्नों का उत्तर देने में ब्रह्मा जी असमर्थ रहे। भगवान नारायण खुद हंस के रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा जी के सम्मान की रक्षा की है। ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती ने हंस को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। हंस पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक है। विद्यार्थियों को ओम ऐंग नमः ये वाणी का बीज मंत्र है। ऐंग जो है ये वाणी का बीज मंत्र है, ह्रीम माया बीज मंत्र है और क्लीम कामना बीज मंत्र है। तो एक माला अगर इसका रोज जप कर लिया जाए ओम ऐम का, तो निःसंदेह सरस्वती की कृपा बरसेगी। जिस घर में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, उनको अपने घर की पूर्व दिशा की दीवार पर हंस पर सवार माँ सरस्वती का चित्र जरूर लगाना चाहिए। और जिस घर में बच्चे बहुत जिद्दी हों, वहाँ पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर जरूर रखें। गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद करें, इससे आपके संतान में सुधार होगा। जय माँ विंध्यवासिनी।